श्री गोविंद दास जी तुमर भगेगा गोविंदपुरा जिला सीकर। राजस्थान के तुमर राजवंश में गोविंद दास जी और हरिदास जी के दो महापुरुष बड़े भक्त हुए। ये पाटन के राव पीपा जी के सबसे बड़े लड़के बीका जी के पुत्र थे। बीका जी स्वयं बड़े भक्त थे। ये पाटन से 11-12 कोस दूर भगेगा एक पहाड़ था, वहाँ रहते थे। कहते हैं कि उन्हें किसी संत का आशीर्वाद था कि उनके दो लड़के होंगे जो महाभक्त होंगे। उस संत के आशीर्वाद से ही उनको गोविंद दास जी और हरिदास जी का भगेगा में जन्म हुआ। गोविंद दास जी का प्रभाव आज भी उनके क्षेत्र में देखने में आता है। उन्हीं की स्मृति में भगेगा और चला ग्रामों के बीच उनके नाम से गोविंदपुरा नामक गांव बसाया गया है। भाद्रपद शुक्ल छठवीं और माघ शुक्ल छठवीं को गोविंदपुरा में एक अच्छा मेला लगता है। मेले में आसपास के लोग एकत्र होकर के गोविंद दास जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। गोविंद दास जी के प्रभाव से इस क्षेत्र के 12 गांवों में आज तक कोई व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति का हो मांस मदिरा का सेवन नहीं करता। गोविंद दास जी बादशाह की नौकरी करते थे पर अपना अधिकांश समय प्रभु की आराधना और संतों के सत्संग में व्यतीत करते थे। वे वंशी बड़ी अच्छी बजाते थे पर बजाते थे अपने इष्ट गोपाल देव और संतों के सामने ही। उनके सामने वंशी बजाते बजाते वे तन्मय हो जाते थे। बादशाह को इस बात का पता चला, तब एक दिन उसने वंशी बजा के सुनाने को कहा। इन्होंने निर्भीकता पूर्वक उत्तर दिया, वंशी बाजे हरिदेव रे के संतन दरबार, यह वंशी बाजे नहीं यह बाजे तरवार। यह सुनकर बादशाह रुष्ट हो गया। उसी समय अमर चिपू नाम के खूंखार बागी से बादशाह का युद्ध चल रहा था। उसने कहा, यदि तुम वंशी नहीं बजवाते तो तरवार बजाने के लिए अमर चिपू से युद्ध करना होगा। दो में से एक काम करो, वंशी बजाओ या तलवार। गोविंद दास के सामने अब तीसरा कोई विकल्प नहीं था। वे या तो वंशी बजा के बादशाह को प्रसन्न कर लेते या अमर चिपू से युद्ध कर जीवन से हाथ धोने का खतरा मोल लेते। गोविंदा गाड़ी बनी हुक्म कियो पत्सा, के वंशी के टेर दे के अमर चिपू के बहा। गोविंद दास जी ने युद्ध करना पसंद किया। युद्ध में उनकी स्थिति कमजोर करने के लिए किसी विद्वेषी ने उनका युद्ध कौशल में सुशिक्षित घोड़ा जिसे उन्होंने 20,000 रुपये में खरीदा था चोरी करवा दिया। फिर भी उन्होंने अमर चिपू से बड़ी वीरता से युद्ध किया, उसे धराशायी कर वे स्वयं भी वीरगति को प्राप्त हुए। गोविंद दास ने अपने प्राण गंवा दिए पर बादशाह के सामने वंशी नहीं बजाई। इस प्रकार उन्होंने गोपाल जी के प्रति अपनी अनन्य निष्ठा का परिचय दिया। गोपाल जी को उनकी वंशी सुनने का लोभ कम नहीं था, इसलिए उन्होंने उन्हें संसार बंधन से सदा के लिए मुक्त कर अपनी नित्य सेवा में अंगीकार किया।